पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियां, मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इल्जाम, नैब ने पेशी पर आए साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने स्कैंडल में मुलव्वस मुजाहिद कामरान के 5 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर, डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर कामरान जाहिद, डॉक्टर रास मसूद और अमीन अतहर शामिल। 5 मुलजिमान बतौर रजिस्ट्रार तायुनात रहे और गैर कानूनी भर्तियों में किरदार अदा किया। पंजाब पुलिस कल्चर की तब्दीली, काम शुरू होने से पहले ही ठप। चेयरमैन पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन नासिर दुर्रानी के इस्तीफे के बाद इस्लाहाती प्रोग्राम को शदीद धचका। सरबराह के जाने के बाद उनकी टीम ने भी आना छोड़ दिया। पुलिस इस्लाहात कमीशन के दफ्तर को ताले लगा दिए गए। नासिर दुर्रानी के दीगर अफसरान में DIG राय ताहिर और शहजादा सुल्तान शामिल थे। SSP नजीबुर रहमान और शहजाद आसिफ खान और SP शुएब अशरफ भी थे। IG पंजाब हुकूमत के कौन से अहकाम नहीं मान रहे? पहले ताहिर खान की बतौर IG तायुनाती के दौरान रूल्स क्यों नहीं देखा गया? IG पंजाब की ट्रांसफर पर हुकूमत ने सियासी मुदाखलत की। हुकूमत कानून और आइन से बालातर होकर अपनी ख्वाहिशात के ताबे इकदाम उठा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। सरकारी इदारे भी सरकार के करोड़ों के नादहिंदा निकले। लेस्को का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन, 6 थानों समेत 15 सरकारी इदारों के कनेक्शन मुनकता कर दिए। थाना जनूबी छावनी, थाना शुमाली छावनी, कोट लखपत जेल, म्यूनिसिपल कमेटी, अजीज भट्टी टाउन समेत दीगर इदारे भी शामिल। मॉल रोड और हॉल रोड को असल हालत में बहाल करने का केस, हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में मॉल रोड और बिल्डिंग पर लाइट्स लगाने का हुक्म। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, अदालत। टीपा की 15 रोज में तमाम फुटपाथ मरम्मत करने की यकीन दहानी। मॉल रोड से बिजली और टेलीफोन की तारें ना हटाने पर लेस्को चीफ और GM PTCL तलब। 5 जाया करने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ भी घेरा तंग। सर्विस स्टेशन को सरकारी पानी फराहम न करने का फैसला। वासा ने 293 स्टेशन में से 283 स्टेशन के कनेक्शन मुनकता कर दिए। गाड़ियां धोने के लिए 2 माह में जदीद मशीनरी नस्ब करने और जाती पंप लगाने की हिदायत। सर्विस स्टेशन से 1 क्यूसेक पानी के एवज माहाना 1 लाख रुपए बिल वसूल करने का फैसला। 1 गाड़ी धोने के 100 लीटर पानी इस्तेमाल करने की इजाजत। पानी महफूज करने के लिए इकदाम। पंजाब भर के पार्क्स और ग्राउंड्स को सड़क के लेवल से नीचे करने का हुक्म। पानी का लेवल खतरनाक हद तक नीचे जा रहा है। पानी को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। DGPHA नाहिद गुल अदालत में पेश। इमरान खान कहते थे IMF से कर्जा लेना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा। नियाजी साहब, आपका झूठ खुलकर आवाम के सामने आ चुका। कत्ल की दियत देकर जान छुड़ाने वाले को वजीर आला पंजाब बना दिया गया। लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला सीनियर वजीर है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अरबों रुपए का डाका डाला। हमजा शहबाज का टोके वाला चौक शाहबाग में जलसे से खिताब। बोले शहबाज शरीफ ने ईमानदारी से कौम की खिदमत की। इलेक्शन जीत कर पैगाम देना है कि हम आज भी नवाज शरीफ के साथ हैं। उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी, मुश्तबा शुजाहुर रहमान ने भी खिताब किया। NA 124 पैराशूट कॉलोनी में PTI उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन दीवान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग, कारकुनान की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग में कारकुनान की भी कसीर तादाद में शिरकत। जितना मर्जी बदनाम कर लें, लोगों के दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं जा सकती। हमारा काम और मिशन है आइन की हुक्मरानी करना और झूठे हुक्मरानों से आवाम को निजात दिलाना। ये कैसा नया पाकिस्तान है, हर चीज की कीमत बढ़ गई। इमरान खान ने नफरत के बीज बोए हैं और अब नफरत ही काटना पड़ेगी। NA 131 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक का मदीना कॉलोनी में खिताब।
कहा इस हलके से मेरा रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। कब्जा ग्रुप साद रफीक एनए 131 में आकर काबिज हो गया। शेर का दौर खत्म हो चुका, अब बल्ले का दौर चलेगा। शेर पर जो ठप्पा लगेगा वो वोट जाया हो जाएगा। पीटीआई उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान का रहमत चौक मदीना कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहते हैं 14 अक्टूबर को साद रफीक को भी सुनामी बहाकर ले जाएगी। मुल्की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के हवाले से जरूरी हिदायत जारी कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वेबसाइट पर उर्दू और इंग्लिश में तफसीलात फराहम कर दी। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और शहर में इंतखाबी मार्का इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त खत्म। उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर इंतखाबी मुहिम की।